दोस्तों कहानी की शुरुआत एक लड़के को दिखाते हुए होती है जिसका नाम सियो हवान होता है, जो कि अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। रास्ते में बारिश होने लगती है। सबके पास अम्ब्रेला होता है पर एक लड़की के पास अम्ब्रेला नहीं होता। वह एक पत्ते को अपने सिर पर रख कर जा रही थी जिसे सियो हवान देखता है और देखता ही रह जाता है, और इसी चक्कर में वह गिर भी जाता है। रास्ते में उसी लड़की को एक बिल्ली दिखती है जो कि बारिश में भीग रही थी। वह अपने पत्ते को उस बिल्ली के ऊपर रख देती है और वहां से चली जाती है, जिसे सियो हवान देखता है। वह उस लड़की को ढूंढता है पर उसे वह लड़की नहीं मिलती। अब हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहां हम सियो हवान और उसके दोस्तों से मिलते हैं। कैरी चिंग सियो हवान के घर के बगल में रहती थी और वह उससे प्यार करती थी, पर सियो हवान उससे प्यार नहीं करता था। कैरी चिंग उसे बोलती है कि तुम मेरे घर के बगल में रहते हो फिर भी तुम मुझे अपने साइकिल से स्कूल नहीं लाते, ऐसा क्यों? सियो हवान उसे कहता है कि तुम मेरे घर में ऐसे आती हो जैसे कि वह तुम्हारा बाथरूम हो, और वह उसे कुछ और भी बोलने वाला होता है। तभी क्लास टीचर एक स्टूडेंट टीचर को लेकर आती है जो कि इन्हें पढ़ाने वाली थी। ये वही टीचर होती है जिसे सियो हवान साइकिल से देखता हुआ गिर गया था, जिसका नाम ओ हे जी होता है। क्लास खत्म होने के बाद जब सब घर जाने लगते हैं तो सियो हवान देखता है कि उस टीचर के पास अम्ब्रेला नहीं है। वह उसे अपना रेनकोट दे देता है और बोलता है कि मेरा घर यहीं पर है, मैं चला जाऊंगा। वह उससे पूछती है कि तुम मेरे क्लास में ही हो ना, तो सियो हवान बोलता है कि हाँ, और वह उसे अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है। रात में ओहे जी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। उसका बॉयफ्रेंड ओहे जी से आखिरी बार मिलना चाहता था। वहीं हम सियो हवान को देखते हैं जो कि ओहे जी के ख्यालों में खोया हुआ था। अगले दिन ओहे जी सियो हवान को उसका रेनकोट वापस कर देती है और उसकी बनाई गई पेंटिंग की भी तारीफ करती है। ओहे जी को सेरेमिक प्रोजेक्ट के लिए खाली कैन के डिब्बे चाहिए थे। उसकी सीनियर टीचर उससे सियो हवान से बात करने को कहती है क्योंकि उसके पिता इसी तरह का कुछ बिजनेस किया करते थे। तभी ओहे जी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वह बोलता है कि वह उससे मिलना चाहता है और वह उसी रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करेगा जहां वह अक्सर उससे मिला करता था। दूसरी तरफ हम एक और रेसर सियो जीन से मिलते हैं जो कि एक रेसर के साथ कोच भी होता है और वह मिलिट्री में भी काम करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है सोनपरी, जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया था, पर जब वह यहाँ पर नहीं था तो उसने इनके रेसर की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। वह सियो जीन के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी। सियो जीन उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपने काम के मतलब से यहाँ पर आती हो, और वह उसे सबके सामने शर्मिंदा करेगा, यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। हम सियो हवान को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ किमची बनाता है और उसे बहुत ही मज़े से खाता है। सियो हवान के डैड उसकी मॉम के लिए किमची भेजना चाहते थे पर सियो हवान जाना नहीं चाहता था, पर जब उसके डैड खुद जाने की बात करते हैं तो सियो हवान जाने के लिए मान जाता है। वह अपनी मॉम के लिए सियो हवान लेकर जाता है सियोल, जहां वह अपनी मॉम को किमची देता है, पर उसकी मॉम उसे अपने कमरे में घुसने नहीं देती। सियो हवान से कहती है कि ये लो पैसे और तुम वापस टैक्सी से जाना। सियो हवान कहता है कि आपको पता ही ना कि हम कितने दिनों से मिले नहीं हैं और हमने बातें भी नहीं की है। उसकी मॉम कहती है कि मैं कुछ दिनों में घर वापस आऊँगी, तब हम लोग साथ में समय बिताएंगे। सियो हवान अपनी मॉम को किमची दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं हम ओहे जी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी सियोल के एक रेस्टोरेंट में, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। उसका बॉयफ्रेंड शादी करने वाला था। वह उसे अपने साथ आने को कहता है पर ओहे जी उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही जाने दिया था, तुम अपने डैड के पसंद से शादी कर सकते हो। इसके बाद हमें सियो हवान की मॉम को देखते हैं जो कि किसी और आदमी के साथ होती है। वह उस आदमी को आज वहां से जाने को कहती है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।